चरणों के चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की लड़ाई राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में मतदान से पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जंग छिड़ गई है। आप नेता और पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी आतिशी ने गुरुवार को खिलाड़ी से नेता बने गौतम गंभीर पर उनके खिलाफ अभद्र पर्चे बांटने का आरोप लगाया। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए गंभीर के खिलाफ मोर्चा खोला तो गौतम ने भी पलटवार किया। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। ये पूरा मामला क्या है और आखिर किस मुद्दे पर दोनों पार्टियों में जंग छिड़ी है, आइए समझते हैं। गुरुवार को जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ आतिशी मीडिया से बात करने आई तो फफक फफक कर रोने लगी। आतिशी का आरोप था कि गौतम गंभीर और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे पर्चे बंटवाए हैं जिनमें उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत पूरी आम आदमी पार्टी ने गौतम गंभीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी तरफ से सोशल मीडिया पर आतिशी के समर्थन में और गौतम गंभीर के खिलाफ कैंपेन चलाया जाने लगा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया तो बीजेपी के पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार गौतम गंभीर भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर आतिशी ने आरोप को सही साबित कर दिया जाए तो वह अपना नामांकन वापस ले लेंगे और चुनाव मैदान से हट जाएंगे। उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर यह साबित हुआ कि मैंने यह किया है तो मैं अभी अपनी उम्मीदवारी वापस ले लूंगा, अगर नहीं तो क्या आप राजनीति छोड़ेंगे। गौतम गंभीर ने कहा कि वह राजनीति में कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, न कि इस तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करने के लिए। न सिर्फ पलटवार बल्कि गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस भी कर दिया है और माफी मांगने को कहा है। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि उन्हें शर्म है कि उनके राज्य का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसा है जो एक चुनाव जीतने के लिए इस हद तक जा सकता है। गौतम गंभीर के समर्थन में उनकी पूरी पार्टी पूरी तरह से साथ आ गई है। बीजेपी भी लगातार आप पर हमलावर है। आप उम्मीदवार आतिशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी वाले पर्चे बंटवाने के सिलसिले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्या उसे इस संबंध में कोई प्राथमिक दर्जा मिलेगा। DCW ने कहा, पर्चे में आतिशी के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मां के खिलाफ शर्मनाक, अपमानजनक और यौन प्रेरित टिप्पणी है। यह कृत्य एक महिला उम्मीदवार के चरित्र और प्रतिष्ठा के विरुद्ध एक गिरी हुई हरकत है और स्पष्ट रूप से एक महिला की गरिमा को कलंकित करने वाला है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली सीट से आतिशी का मुकाबला भाजपा के गौतम गंभीर और कांग्रेस के अरविंद सिंह लवली से है। राजधानी दिल्ली में 12 मई को सभी सातों सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उम्मीदवार के चरित्र और प्रतिष्ठा के विरुद्ध एक गिरी हुई हरकत है और स्पष्ट रूप से एक महिला की गरिमा को कलंकित करने वाला है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली सीट से आतिशी का मुकाबला भाजपा गौतम गंभीर और कांग्रेस के अरविंद सिंह लवली से है। राजधानी दिल्ली में 12 मई को सभी सातों सीटों पर वोट डाले जाएंगे।